विकास की दिशा में अग्रसर फोर लेन और उसी फोर लेन से प्रभावित एक संघ, फोर लेन प्रभावित संघ पिछले कई वर्षों से सरकार के सामने चुनौती लेकर के खड़ा है। फोर लेन संघर्ष संघ का मानना है कि वो लंबे समय से विस्थापित हो रहे हैं, उनका कारोबार चौपट हो चुका है, किंतु सरकार उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। इसी कड़ी में टकोली में एक हल्का धरना प्रदर्शन किया गया, वहां पर सरकार को आड़े हाथों लिया गया। फोर लेन संघर्ष संघ का मानना है कि सरकार उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। न्यूज प्लस के लिए टकोली से दिलसुख शर्मा की रिपोर्ट। सारे गवर्नमेंट के दहने में डाला हुआ है, सीएम साहब मंत्री से बात हो चुकी है, मगर मंत्री सोए हैं और एमएलए भी सोए हैं और मुख्यमंत्री सोए हुए हैं, तो हम लोग कब तक बीयर करते रहे? हमारे भी बीबी बच्चे हैं, हमारे परिवार है, हमारा भी रोजगार था जो जुड़ गया, आज हम रोड पे खड़े हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है, सबकी टैचियां जा रही, टैचियां मिल रही है, काम हो रहा है। दुख तो इस चीज का ना, कोई मंत्री आज तक रुका हमारे पास, सिर्फ प्रलोभन दिया आप वोट दे दो आपका काम हो जाएगा, इलेक्शन हो गया, सांसद महोदय बन गया, आज तक एक बार सखंड दिखाई सांसद महोदय ने, कैसे क्या करना से मंत्रियों को, क्या करना से एमएलए को, एमएलए बोलता मेरे पास तो है कुछ नहीं, अरे भाई बना काय को था, खड़ा क्यों था, घुमटमट क्यों की थी, ये तो पार्टी के पास पहले ये आप बोल दो कि ये काम नहीं होगा। जो पीछे से ये सड़कें छोड़ी हुई है, छोड़ी हुई है, सारी ऐसी ही है, कई गड्ढे हैं, कई दंगे नहीं लगे हुए हैं। फोर लाइन प्रभावित किसान संघ के अध्यक्ष कुकु कुमार नरेश तथा बसीलाल ठाकुर, ईश्वरदास, महिला युवा विंग की अध्यक्ष शारदा देवी शर्मा, फोर लाइन प्रभावित किसान संघ के युवा अध्यक्ष विपिन कुमार ठाकुर, इन सभी ने आज टोल प्लाजा का विरोध किया तथा काम रोका गया। पिछले दिनों फोर लाइन प्रभावित किसान संघ ने सरकार से मांग की थी किसानों को 4 गुना मुआवजा। फोर लाइन से प्रभावित हुए जो दुकानदार उनको सहायता राशि प्रदान की जाए, परंतु सरकार ने अभी तक किसी तरह से किसी की भी नहीं सुनी, अभी तक नहीं सुनी, इसलिए आज दोबारा फोर लाइन प्रभावित किसान संघ ने टोल प्लाजा को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ में मिडिल क्लास फैमिली आज काफ़ी आहत हुई है, क्योंकि उनकी सब्सिडी जो है सरकार ने बंद कर दी है। मैं दिलसुख शर्मा, न्यूज़ प्लस, मंडी से रिपोर्ट।